और दुनिया को दहलाने वाले बुराड़ी कांड का तिलिस्म टूट चुका है। इस वक्त हम बुराड़ी कांड के ललित के उसी दुकान में मौजूद हैं और ये तस्वीर आप जो देख पा रहे हैं ये तस्वीर ललित के पिता की है। और ऐसा बताया जा रहा था कि ललित के अंदर जो आत्मा उसके पिता की, इन्हीं पिता की आत्मा वो आती थी घर, वो अब ललित के जो भाई हैं उनके सुपुर्द कर दिया गया है। लेकिन हम आपको एक बड़ी चीज दिखाना चाहेंगे। अब ये बात लगभग साफ हो चुकी है और साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी रिपोर्ट जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कराई थी वो भी साफ हो चुकी है। उसमें साफ साफ आया है कि जो परिवार के लोग हैं वो एक पूजा कर रहे थे और उसमें उनको ये पता था कि उनको नहीं मरना है। सबसे हैरान करने वाली जो चीज आई थी बुराड़ी कांड में वो थी 11 पाइप का रहस्य। आप ये जो पीछे की तरफ पहले आपने दिखा होगा 11 पर जो 11 पाइप थे वो बने हुए थे और उसको लेकर अलग अलग थ्योरी बताई जा रही थी कि जो 11 सदस्य थे घर के अंदर उनके लिए ये पाइप यहाँ पर लगाए गए थे, वो उनकी जो आत्मा है वो इसके अंदर से निकलेगी, जो बुरी आत्माएं थी। लेकिन अब जो 11 पाइप यहाँ पर लगाए गए थे उनको तोड़ दिया गया है। जब ललित के बड़े भाई को ये घर मिला उसके बाद इस पाइप को तोड़ दिया गया। एक बार फिर दिखाना चाहूंगा, घर का जो ये बाहरी हिस्सा था यहाँ पर 11 पाइप लगे हुए थे, वो पाइप तोड़ दिए गए थे। ये 11 पाइप इसलिए यहाँ पर लगाए गए थे कि घर के अंदर पूजा चल रही थी, 11 आत्माओं की पूजा चल रही थी, उसको लेकर ये पाइप लगाया गया था। यहाँ तक कि घर के अंदर जो 11 ग्रिल लगे थे जिससे फांसी के फंदे पर तमाम लोग लटके थे वो वहां पर मौजूद है, लेकिन जो 11 पाइप का तिलिस्म था वो टूट चुका है, 11 पाइप को तोड़ दिया गया है। साथ ही साथ अब ये बात पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि बुराड़ी के घर के अंदर एक पूजा हो रही थी और सबको ये पता था कि इस पूजा के बाद उनके अंदर और शक्ति आ जाएगी। उन 11 लोगों को नहीं पता था कि उनकी मौत हो जाएगी और गलतफहमी में उनकी मौत हो गई।